Hey guys, welcome back to the Travel Cupcakes. मैं हूँ उपन, ये है देवाशीष. नहीं, ये है उपन, मैं हूँ देवाशीष. देवा मैं हूँ, MS धोनी. नहीं, विराट कोहली. तू धोनी या कोहली? धोनी. ठीक है, मैं आज मैं धोनी हूँ और ये है साक्षी. साक्षी, अरे उसकी भाई. ठीक है, तो ये बहुत मजाक हमारा चलता रहता है. तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया की टी शर्ट क्यों पहनी है आज, क्योंकि एक साल बीत गया था, है ना. हाँ. लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी जब इंडिया हार चुकी थी पाकिस्तान से, याद है. याद तो है, ये वही टी शर्ट है और हम अगेन एक साल बाद वीडियो लाए हैं कि इंडिया जीत चुकी है. तो इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस. एंड ठीक है, हार जीत चलती रहती, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी चलती रहती है. आज हम जीते, कल वो जीते, चलता रहता है ना. तो अभी वीडियो ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा एंगर हो गया है, पता नहीं क्या है. तो थोड़ा हम रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन है, कि पाकिस्तान इंडिया से हारी थी एशिया कप में. तो देखते हैं, चलो. अगर हमने वो वाली वीडियो भी बनाई है जिसमें इंडिया हारी है, तो वो भी बनाएंगे कि जिसमें इंडिया जीती है. तो yeah! सारे वीडियोस चलते रहेंगे. अभी ऐसा नहीं है कि एक ही मैच है, अभी तो दो तीन मैच होने वाली है. तो कांटे की टक्कर है. ऐसा नहीं था कि क्लोज मैच थी कि दोनों कोई भी जीत सकता था, पर हार्दिक पांड्या ने जीता दिया. गुजराती है ना. ठीक है, गुजराती मानस. गुजराती मानस, बड़ोड़ा. बड़ोड़ा से तो है. दो जन खास खेले थे उसमें, जाडेजा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टाकरा था जो कि देखने को मिला. एंजॉय किया गया इस मैच को. मुझे लगा था ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, किस तरह पाकिस्तान फॉर्म में था और इंडिया पर प्रेशर था. एंड तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, लेकिन एक छक्के ने पूरी गेम बदल कर रख दी. एक छक्के ने पूरा मैच बदल कर रख दिया और 5 विकेटों से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं. आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं इस मैच के हवाले से, उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है कि किस तरह इंडिया ने एक छक्के से पूरा मैच पलट कर रख दिया. सामने आपका नाम सरफराज. सरफराज, कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? 5 विकेटों से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया. जी बिल्कुल, वो एक्चुअली थोड़ा ना एंड पे जो स्पिनर बॉलर लगा है ना, वो हमारा स्पिन बॉलर की जगह फास्ट बॉलर आता, वो मैच नहीं जीते. मैच तो बहुत अच्छा हुआ है, आखिरी ओवर में मैच आ गया था और आखिरी मतलब 6 बॉलों पर 7 स्कोर चाहिए था. और मतलब आखिरी ओवर की पहली बॉल के ऊपर उनकी जो मेन एक सही विकेट थी वो उड़ गई थी. उसके बाद फिर मतलब जब मैच आगे चला तो फिर मतलब जाहिर है वो भी कोशिश कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे और वो सेटिस्फाई थे इस बात के ऊपर कि वो आखिरी गेंद तक मतलब स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं था. हमारी थोड़ी कैप्टनसी गलती हुई यहाँ से आके कि दोनों को यहाँ पे फास्ट बॉलर लगाना चाहिए, तो उन्होंने स्पिन बॉलर लगाया जिसकी वजह से जो है ना वो हम लोग मैच आए. जी इनका कहना है कि एक छक्के ने जो है वो मैच बदल कर रख दिया. क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से आप? कल का मैच बड़ा अच्छा हुआ है. असल में इंडिया की जो कैप्टनसी हुई है ना और जो बाबर आजम ने कैप्टनसी किया, इसमें थोड़ा फ़र्क आया है. मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान मैच आ रहा है ना, उसमें बाबर ने जो एक दो गलतियाँ की है ना, उस वजह से पाकिस्तान मैच हार गया. असल में जो मैच चल रहा था ना, 50-50 मैच चल रहा था. आप देखें कि उनका अभी सूर्या कुमार यादव पड़ा हुआ था, उसके बाद उनका दिनेश कार्तिक पड़ा हुआ था, हार्दिक पांड्या पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने टू डॉन जडेजा को भेज दिया. उसकी एक वजह थी उनकी सोच थी जो थिंकिंग थी वो बहुत बड़ी थी. उनको पता था कि इनके पास एक लेफ्ट आर्म है नवाज और दूसरा शादाब लेग स्पिनर है. हमेशा जो क्रिकेट को समझते हैं उनको पता है कि अगर लेफ्ट आर्म के सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ जाता है तो वो इजीली खेल लेता है, अगर राइट आर्म आता है तो खेलना मुश्किल होता है, ज्यादा टफ टाइम दिया जाना था. रोहित शर्मा ने जो मतलब फैसला लिया, उन्होंने कहा कि सूर्या कुमार हालांकि उनका दुनिया का दूसरा बैट्समैन है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन उन्होंने जडेजा को भेजा क्योंकि उनका जो डिसीजन पावर था वो बहुत बड़ा था. देखिए जडेजा को भेजा, उनको जो 6 ओवर 7 ओवर पाकिस्तान के स्पिनर्स के थे वो उन लोगों ने अच्छे तरीके से सर्वाइव किए. अगर वहाँ पे जडेजा को ना भेजा जाता तो पाकिस्तान का जो मैच का रिजल्ट आया वो मुख्तलिफ हो सकता था.
तो बाबर आजम ने जो गलती की है वो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे पतन आबाद उन लोगों ने शाह नवाज थानी को दिया वो नवाज से करना चाहिए था। बाबर आजम डर गया था कि हम लोग अगर नवाज को ओवर वहाँ पे दे देते हैं शायद हो सकता है स्कोर लग जाए, लेकिन वहाँ पे ओवर नहीं दिया तो एंड पे हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट ओवर में छह रह गया था, अगर वहाँ पे 20 रन भी होते ना और नवाज बॉलिंग करने के लिए आ रहा होता तो 20 भी मार देना था, क्योंकि वो बहुत बड़ा पावर हिटर है वो, तो इस वजह से उसके आगे ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी। बाबर को ये चाहिए था कि कैप्टेंसी में बड़े फैसले लेता, जैसे रोहित शर्मा ने यह एकदम फैसला लिया है कि उसने मैच चलते चलते उसने सिचुएशन को जो हैंडल किया है और देखा कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसने फौरन जडेजा को भेज दिया है क्योंकि हमारे दो एक लेग स्पिनर लगा हुआ था और एक ऑफ स्पिनर लगा हुआ था। अच्छा, हमारी टीम बड़ी ज्यादा अनफिट नजर आई है, आप देखें शाहीन शाह अफरीदी अनफिट थे, उसके बाद नसीम शाह जिसने ये मैच निकलवाए हैं वो किस तरह उन्होंने अपनी लेग इंजरी के साथ इतना स्कोर किया है और विकेट ली है, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। क्या वजह है हमारी टीम सारी की सारी अनफिट है? मुझे लगता है कि आखिर जब ये टीम अगले महीने घर आएगी तो इनके पूरे जिसम पे पट्टियां बंधी होंगी। देखिए ये इंजरी जो होती हैं वो पार्ट ऑफ द गेम होती है, लेकिन नसीम शाह जो है उसने एक बहुत बड़ा डेब्यू किया है, ये पूरी दुनिया मान रही है। पहले हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे पास शाहीन नहीं है तो हमारी बॉलिंग का क्या बनेगा, क्या होगा, ऑन पेपर देखा जाता तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी थी। मेरे से जब भी किसी ने बात की कि ऑन पेपर आप बात करें इंडिया और पाकिस्तान का कंपेरिजन करें, मैंने कहा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ऑन पेपर तो बात होती नहीं है, वहाँ पे ऑन द फील्ड जो चीज़ होती है वो देखी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है, उसमें जो टीम क्विक डिसीजन लेती है, जो जल्दी फैसले लेती है, जो अपने प्रेशर को हैंडल करती है, हमेशा वही टीम जीती है। और मैच में हुआ भी यही है, आप देखें कि हमारे पावर प्ले में 36 बॉलें हुई हैं, मतलब 6 ओवरों में हमने 19 बॉलें डॉट के लिए हैं, इट मीन कि हमने 19 बॉलें डॉट के लिए कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमने अपना प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं किया। हमने अगर 19 बॉलों में से अगर 10 बॉलें खेली होती डॉट और उनमें से स्कोर बनाया होता तो हमारा कुछ फैसला अलग आना था। दूसरी बात इंजरी की है, तो इंजर्ड जो होना वो एक गेम का हिस्सा है, लेकिन इस तरह से इंजर्ड हो जाना जैसे पहले हुआ है शाहीन हुआ है, उसके बाद हमारा वो मोहम्मद वसीम हो गया, अब नसीम शाह का भी थोड़ा इशू आ गया था। नसीम शाह अगर इंजर्ड ना होता जो जडेजा ने उसको छिक्का मारा है, अगर वो छिक्का ना मतलब लगता तो उसके बाद भी मैच के जो रिजल्ट थे वो मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन हमारे साथ हमेशा से इश्यूज ये आते हैं कि हमारे प्रेशर हैंडल नहीं होता। इंजर्ड होना मैच के दौरान ये सारी चीजें दिमाग की बात है, जब आपके दिमाग में चीज बड़ी हावी हो जाती है इस वजह से आपको मसले मसाइल। कल के मैच में हमें इंडिया की जो टीम है वो भी काफी प्रेशर में नजर आई, उनकी शक्लों से पता चल रहा था कि कितना अंडर प्रेशर है टीम किस तरह। अच्छा, एक होता है खुलकर खेलना, छक्के लगाना, कल इंडिया जिस तरह खेल रहा था बड़ा डिफेंसिव होकर खेल रहा था। देखिए चीज वही है, उन लोगों को हमने पहले बड़े बुरे तरीके से हराया हुआ था, पाकिस्तान का एक प्रेशर बना हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया इस चीज़ को मानती है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो विक्रांत गुप्ता का आपको पता होगा, सारी दुनिया जानती है, वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई बॉलर इंजर्ड हो जाए ना तो वो कहते हैं कि भाई आपने मैच खेलना है, राह चलते किसी बॉलर को तो वो कहते हैं हाँ जी मैंने खेलना है, तो वो जाके 5 आउट कर देता है। तो नसीम शाह देखें, उसने शाहीन की कमी महसूस नहीं होनी थी, उसने शाहीन ने भी पहली दफ़ा ऊपर से 2 आउट किए, नसीम शाह ने अपनी दूसरी बॉल पे केएल राहुल को आउट किया और अपनी पहली और दूसरी बॉल पे विराट कोहली को आउट कर गया था। बॉलर का काम होता है कैच लेके देना, चांस लेके देना, आगे फील्डर ने उसका साथ नहीं दिया, वो लक चल गई विराट कोहली की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उसको एक चांस मिलने के बाद उसने ऐसे खेला है कि 25 बॉल मतलब 35 बॉल में 35 को रन नहीं ज़्यादा जैसे हमारे रिजवान ने खेला है, तो कोहली को कुछ और तरीके से खेलना चाहिए था, वो जीतने की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान की जो टोटल पाकिस्तान ने किया वो बहुत कम था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतना अच्छा कमबैक किया, इतना अच्छा मैच को लेके चले। अगर बाबर रोहित शर्मा की तरह थोड़ा सा फैसला जल्दी ले लेता तो आज पाकिस्तान मैच जीत सकता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक और मैच है अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उम्मीद है कि हम फाइनल में एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। अगले मैच में क्या तवक्कात है, जो खामियां हमारी इस मैच में रह गई थी अगर हम फुलफिल करते हैं तो क्या पाकिस्तान का अगला मैच जीतने के चांसेस है? देखिए मैंने पहले भी बात की है, पाकिस्तान इंडिया के बारे में पहले प्रेडिक्शन देना गलत बात है, ये ऑन द फील्ड गेम है,
अगर भाई पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, क्योंकि इसको हम ले चलो ग्राउंड पे कमेंटेटर, दो हजार सात में आ रहे हैं, दो हजार ट्वेंटी में दो दफा आ रहे हैं, 2009 में आ रहे हैं, 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, हमने हर जगह इनसे नॉलेज भी है। वजह क्या बन रही थी? वजह ये बन रही थी कि हमारे ऊपर प्रेशर होता था। कल के मैच की वजह क्या थी? कल के हमारे ऊपर प्रेशर आ गया था, हमने जल्दी फैसले नहीं किए, जिस वजह से हम लोग मैच हारे हैं। अगर अगले मैच में भी हम लोगों ने यही करना है तो फिर हम भूल जाएं कि हम लोग मैच जीतेंगे। असल चीज ये है कि जैसे मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, इंडिया का टर्निंग पॉइंट जो मैच का था ना, वो यही था कि जो उन्होंने जडेजा को भेजा है, शहजाद बहुत बड़ा लेग स्पिनर है, साद नवाज बहुत बड़ा लेग स्पिनर है, उन्होंने विराट कोहली को आती आउट किया है। अगर वहाँ पे सूर्या कुमार आ जाता, उसके बाद कार्तिक आ जाता, उसके बाद वहाँ पे उस बंदे ने दो तीन आउट कर जाने थे और मैच को बना लेना था, लेकिन उन्होंने लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर को लेके आए। सोच की बात है सारी, तो यही चीज है सारी। जी आपने सुना कि मैच को लेकर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है? उनका यही कहना है कि एक कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिला है। हम चाहते थे कि हमें ऐसी फाइट देखने को मिले, मतलब दोनों तरफ से फाइट हो, दोनों से एफर्ट की जाए, और वैसा ही मैच कल हमें देखने को मिला। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी नूर अहमद। नूर अहमद, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? 5 विकेटों से इंडिया ने कल का मैच अपने नाम कर। जी ये बहुत अच्छा मैच हुआ है, जो शायकीन क्रिकेट उसने बहुत इंजॉय किया। तो ये जो हमारे सीनियर प्लेयर थे जिसमें बाबर आजम या रिजवान, उन्होंने परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन धानी ने जो मैच बनाया है जिसकी वजह से आवाम ने मैच में वापसी हुई है, वो 16 रन जिस पे 6 बालों पे 16 किए, उसने मैच में वापसी की है। शायकीन वापस आए हैं, टीवी पे बैठे हैं, अल्लाह गुला हुआ है, और नसीम शाह ने शाहीन अफरीदी की कमी महसूस नहीं होने दी। ये उसका डेब्यू था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आप ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान ने कल फाइट की है? बिल्कुल फाइट की है, इंडिया की धूल उड़ा रहा है। एक ओवर एक छक्का वो सुनने के लिए है, उसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। समझ में आ रहा है मैच का। जब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जैसे ही आखिरी छक्के में पता चला कि पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, हर बंदा मायूस होकर घर को लौट गया। किसी ने भी वसीम शाह को पाकिस्तान के, किसी ने भी नसीम शाह को, ना ही पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को अप्रिशिएट किया। ऐसी क्या वजह है कि हम हार जीत पर इतना मायूस हो जाते हैं, इतना सख्त रद्द अमल का मुजाहरा क्यों करते हैं? लेकिन ये आपके सामने आवाम सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, नसीम शाह को कर रहे हैं, धानी को कर रहे हैं। धानी का इंडिया का इतना बड़ा मैच है और धानी को चांस दिया है, धानी ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है जिसकी ज़रूरत थी, और ओवर भी अच्छे कराए, बहुत अच्छा हुआ है। हम सब को अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो यंग प्लेयर हैं इनको आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। शहन शाह अफरीदी की उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी कि वो एक फास्ट बॉलर था वर्ल्ड क्लास, आपको पता है 2-2.5 साल से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नसीम शाह क्या बात है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को बेहतर होने की ज़रूरत है? वो तो लग ही नहीं रहा था कि वो रिजवान है, बाबर है, ये बहुत बड़े नाम हैं, जिस तरह इन्होंने बगैर आउट हुए पिछला टारगेट पूरा कर दिया था, वो तो लग ही नहीं रहा था, वो बॉलें मिस कर रहा था रिजवान को, प्रेशर आ गया ना, और हमने भी कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रही थी रिजवान और बाबर से। ये नहीं लगानी तो चाहिए, वो हमारे स्टार हैं, जिस तरह वो उम्मीदें लगाते हैं वो कोहली से या शर्मा से, कोहली भी आउट हो गया था, बैट कर लेता तो पाकिस्तान जीत चुका होता आज। लेकिन ये जो नसीब की बात है, इंडिया वाले आज खुश हैं, तो इंशाल्लाह हम फाइनल में, हम उसको पता लगेगा उस मैच में हराएंगे जिसमें उसको ज्यादा दर्द हो। इंडिया वाले तो बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में टीवी टूट रहे हैं, क्या पाकिस्तान में टीवी तोड़े गए हैं? नहीं, मुझे खुश हो रही है, मैच हुआ है उसको एंजॉय किया, आवाम ने एंजॉय किया, यहाँ टीवी वाली कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ, लेकिन मैच को एंजॉय किया। हाँ इस बार वीडियो नहीं है, उनका कहना था कि बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, दोनों जानिब से बड़ी अच्छी फाइट की गई, पाकिस्तान के अवाम ने, इंडिया के अवाम ने इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, और लिटरली अभी वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे कोई टीवी नहीं टूटे, हमने किसी को भी जो है इसका हार जीत का जिम्मेदार नहीं ठहराया, और उम्मीद है कि आगे भी इंडिया और पाकिस्तान का बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं मजीद लोगों से बात करें, उनकी राय जाने। अस्सलाम वालेकुम सर, चले गए आगे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन इस वक्त हमसे बात करना चाहेगा मैच के हवाले से, मैच के बारे में हवाले से। क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद वसीम। कल का मैच देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी बिजी था।
बिजी थे, मैच ही नहीं देखा भाई, इतना बड़ा मैच था इन्होंने नहीं दिया। आपको नहीं पता कल कौन नहीं मुझे नहीं। कल इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान को हरा दिया। ये तो दो खिलाड़ी खुलते होते हैं ना, टैनी होता ना, ये कोई बात नहीं, ये है नेचुरल रिएक्शन, नसीब की बात है, सही बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दो खिलाड़ी आपस में घुल रहे हो तो हार जीत होती है। हां ठीक है, सही क्या बात बोल रहे हो, मार्केट में मौजूद है और अंकल मजा आ गया, वो बेच क्या रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके बाद उनके ख्यालात आप तक, बहुत मजा आ गई वीडियो देख के, हम चाह रहे हैं कि किसी तरह तुम इंटरव्यू सुनो, बैकग्राउंड देख रहे हो, सब कुछ दिख रहा है, खाना वाना दे आ रहे, सब कुछ दिख रहा है मुझे, आंटी कुछ खा रही है, खाने में मसरूफ है, बोले बोले क्या नाम है आपका, मोहम्मद सलीम, कल का मैच देखा नहीं जी, क्यों चौके नहीं है, वो हंस रहे हैं पीछे, कल ही मुका दिया ये कह कर, कल वो मैं वापस बोल लेता हूँ, जीना अजनीन तो, जीना अजनीन तो, अस्सलाम वालेकुम भाई इधर आएंगे हम आपके पास ही आ जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका, नदीम तबरीज, कल का मैच देखा, आप ये मत कहिएगा कि आपने नहीं देखा, बिल्कुल देखा, क्यों नहीं देखा, कहाँ पे देखा, टीवी पे देखा, अच्छा घर पे, घर पे देखा, कैसा लगा कल का मैच, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले, मैच तो बहुत दिलचस्प हुआ, बहुत मजा आया देखने का, लेकिन कुछ चीजों की कमी हमें महसूस हुई, जैसे कि एक सीनियर प्लेयर की कमी महसूस हुई, शुएब मलिक की कमी महसूस हुई, शाहीन की कमी तो उसने पूरी कर दी, नसीम शाह ने, अमाद वसीम की कमी मोहम्मद नवाज ने पूरी कर दी, लेकिन मलिक की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, बैटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, अगर मलिक होता तो शायद 20-30 स्कोर ज्यादा हो जाता, बॉलिंग भी वो कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी हो जाती, सब कुछ बदल सकता था, लेकिन जो भी हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान टीम की फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान की टीम ज्यादातर अनफिट दिखाई दी, देखें अभी वो हाल ही में खेल के आए हैं नेदरलैंड में, उनको रेस्ट का मौका नहीं मिला, पीछे क्या खाना, इसकी वजह से उनके साथ कुछ इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम आएगी, तो कोई बात नहीं, टिपिट आप अच्छा खेलें, यही हम दुआ कर सकते हैं। इंडियन टीम के बारे में क्या कहेंगे, कल उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, इंडियन टीम हमेशा की तरह बहुत अच्छी, हमेशा की तरह, उनका कप्तान भी बहुत अच्छा खेला, फुल फॉर्म में थे, किस टीम को सपोर्ट कर, मैं जाहिर सी बात है पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, इंडिया को थोड़ी करूंगा। उम्मीद तो थी, लेकिन कुछ हद तक जब बैटिंग लाइनअप देखा तो उम्मीद टूटी भी है कि स्कोर करने वाला कोई प्लेयर, और टारगेट भी हमने बहुत छोटा टारगेट दिया इंडिया, हाँ टारगेट के लिहाज से बात करें तो बॉलरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टारगेट कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी बॉलरों ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, सवाल ये है कि अगर बैटिंग भी बॉलर करेंगे बॉलिंग भी बॉलर ही करेंगे तो बैट्समैनों का हमने क्या करना, रिजवान ने कुछ नहीं किया, वो 42 गेंदें खेल के गया है, कम से कम 50 तो पूरी कर जाता और कुछ ना करता, 50 तो मुकम्मल कर जाता, बाबर ने क्या किया, कुछ नहीं किया, इफ्तिखार अहमद उसे पता नहीं किस पेस पे खिलाया जाता है, इस्लामाबाद में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, पिछले कोई भी मैच निकाल के देख लें उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, मुझे समझ नहीं आया उसे क्यों खिलाया जा रहा है, शायद ये बाबर आजम का जो दोस्त है वो टीम में रहेगा, जो मेरा ज़ाती राय है, मलिक को होना चाहिए था, मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस। एक और मुकाबला भी हमारा है इंडिया और पाकिस्तान का, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम फाइनल में भी नजर आएंगे, क्या लग रहा है कोई चेंजिंग्स करनी चाहिए हमें अगले मैच के लिए ताकि हम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, फिर वही मेरी बात आ जाएगी कि मलिक की कमी, मलिक को होना चाहिए, क्यों एक सीनियर प्लेयर का होना बहुत जरूरी है, जैसे घर में बाप का होना जरूरी है टीम में सीनियर प्लेयर का वैसे ही होना बहुत जरूरी है। टीम इंडिया के आप कल टीम इंडिया पे आपको प्रेशर नजर आया, प्रेशर तो होता है, बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है, प्रेशर दोनों टीमों पे था, दोनों टीमों के क्राउड पे था, सब पे प्रेशर था, हम पे घर बैठे थे हम पे प्रेशर था, कोई गुस्सा कोई नाराजगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे भी होते हैं, झंडे को बड़ा क्लोज मैच हुआ, छोटे टारगेट के साथ इतना क्लोज मैच होना बहुत अच्छी बात है, कोई पैगाम देना चाहेंगे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, जी बिल्कुल, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्रिकेट की राय क्या होता है, क्या कहना था कल के मैच के हवाले से, उनकी क्या एक्साइटमेंट थी, क्या उम्मीदें थी और क्या हो गया, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये लाइव पसंद आया होगा, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। जी तो यार।
तो ये इस वीडियो में क्योंकि लड़कियों को इतना क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट होता है, हाँ सही बात। तो मेरा मैं बैकग्राउंड में ज्यादा देख रही थी। यस और मुझे बहुत मुझे हमें कमेंट्स करके ये बताना कि ये कौन सा मार्केट है। बहुत अच्छा मार्केट इंडिया जैसा लगा मुझे। हाँ, बहुत सब दिल्ली मार्केट, अहमदाबाद मार्केट, चांदनी चौक जैसा नहीं लगा। हाँ, काफी मतलब लोग खा रहे पी रहे मजे कर रहे। बैकग्राउंड वाज वेरी मच एंटरटेनिंग लोगों की बातों से ज्यादा। तो सारी मतलब फुटेज देख के ही पता चला कि जो भी उनको अपने कंट्री से प्राउड है कि भाई जैसा भी खेले पर सभी खेले अच्छा खेले, और दोनों कंट्री एक जैसा ही खेले थे। काफ़ी कांटे की टक्कर थी वही बता रहे थे, और वो उन्होंने बोला कि शोएब मलिक होना ज़रूरी था, एक सीनियर प्लेयर होना ज़रूरी होता है कि आपको मैच जितवा भी सकते हैं सूझबूझ से। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई थी, इंडिया हार गया था, इस बार इंडिया जीत गया है तो हमको प्राउड फील हो रहा है। लास्ट ईयर भी हमने वीडियो बनाई थी और इस साल भी हम बना रहे, तो बहुत मज़ा आ गई। अब नेक्स्ट मैच भी होने वाली, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट मैच के जो भी रिव्यू और रिएक्शन होंगे उस पर हम मिलेंगे, है ना। और कुछ तुझे बोलना है? नहीं, बस मुझे तो मार्केट देखना है, मुझे बता देना बहुत कि कमेंट्स में कौन सा मार्केट है। यहाँ पे दिल्ली में खान मार्केट है, चांदनी चौक है, ऐसा लगा हमें कि मजा आ गई देख के। और पीछे कुछ खाने वाने का फूड ट्रक था। तो अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो मिलते हैं।